नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। दिग्गज वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को राज्यसभा के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया। उन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। दिलचस्प है कि उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव के साथ साथ इन दिनों सपा सुप्रीमो से नाराज चल रहे आजम खान को भी धन्यवाद किया। 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सिब्बल ने कहा, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। मैं अखिलेश यादव का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं आजम खान के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को हाल ही में जमानत दी थी। इसके बाद आजम जेल से बाहर आए। शीर्ष अदालत में आजम खान की पैरवी कपिल सिब्बल ने की थी। आजम ने करीब 27 महीने जेल से गुजारे थे। पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ करीब 90 केस दर्ज है। आजम लंबे समय से अखिलेश यादव से नाराज हैं। जेल से निकलने के बाद उनके बयानों से नाराजगी के दावों को और पुख्ता कर दिया। उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ से जेल में मिलने नहीं आने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, मैं किसी के आने या नहीं आने पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आए थे और उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो कुछ कारणों से नहीं आ सके, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं गुस्सा करूं। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से कपिल सिब्बल को समर्थन देकर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में आजम खान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर इतने मुकदमे नहीं होंगे जितने आजम खान पर लादे गए। इस सरकार को न्याय देना चाहिए, वो फर्जी गवाह बनाकर मुकदमे लाद रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने जिलाधिकारी से बात की थी और कहा था कि आपको यूपी में लाने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन आप हमारे ही नेता पर मुकदमे लाद रहे हैं। उन पर सिर्फ इसलिए मुकदमे लादे गए क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है सब पर कार्रवाई करिए। अखिलेश यादव ने कहा, हमें न्यायालय पर भरोसा है, हमें न्यायालय से राहत मिली है, आगे भी उसी पर भरोसा है। मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और कहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।